हेलो कैडेट्स, वेलकम टू एडू मेंशन अगेन। आप लोगों का स्वागत है और इस वीडियो में मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूँ। थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, जनरल नॉलेज जीके के बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनना है क्योंकि जीके बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सब्जेक्ट है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन वास्ट है, इतना बड़ा है, इतना ह्यूज है कि आप हर चीज नहीं जान सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप जीके का प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन सैनिक स्कूल में 100% हो जाए। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, AISSEE यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिससे जिसके थ्रू सैनिक स्कूल में सिलेक्शन होता है, उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स ईच, यानी कि 50 नंबर का जीके का सवाल आता है। टोटल 300 मार्क्स के एग्जाम पेपर में 50 नंबर का जीके आता है। तो सवाल ये आता है कि सर 50 तो ठीक है, बाकी 250 कौन से हैं? तो बाकी 250 नंबर यानी कि 250 मार्क्स जो हैं वो मैथ, इंग्लिश और इंटेलिजेंट टेस्ट को मिलाकर आते हैं, जिसमें इंग्लिश भी 50 मार्क्स का ही आता है और 150 मार्क्स के होते हैं मैथ्स और 50 मार्क्स का होता है इंटेलिजेंट टेस्ट। तो सवाल आता है कि सर इंटेलिजेंट टेस्ट, इंग्लिश और जीके एक लेवल के हैं तो क्यों ना सिर्फ मैथ्स पे फोकस किया जाए। देखो बच्चों, मैथ्स जो है वो इजी है, मैथ्स में प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस ही आते हैं, उससे ज्यादा वो बड़ा आगे चल के वो ऐसा क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर सकता एग्जामिनर कि आप जवाब ना दे सके। तो मैथ्स में 150 में 150 स्कोर करना इज वेरी इजी। तो डिफिकल्ट क्या होता है? डिफिकल्ट होता है इंटेलिजेंट टेस्ट और जीके। अब इंटेलिजेंट टेस्ट भी एक ऐसा चीज है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड होते हैं, उसमें वैल्यू बदल सकता है पर तरीका एक ही होगा सॉल्व करने का और आपके आंसर्स आ जाएंगे। पर जीके जनरल नॉलेज इज समथिंग जिसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इतने सारे आ सकते हैं कि आप रटते रटते आपका हालत खराब हो जाए। तो फिर ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ? ये वीडियो बनाने का मेरा एकमात्र मकसद है कि आप छोटे छोटे बच्चों को, आपको मैं ये बता सकूं कि किस तरीके से आप जीके का प्रिपरेशन करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम श्रेष्ठ गुप्ता है, मैं पिछले 3-4 सालों से सैनिक स्कूल के बच्चों का प्रिपरेशन करा रहा हूँ और मेरा 100% ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जितने भी बच्चों को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है आज तक, उन हर बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और ऑनलाइन में भी इस बार बच्चे बता रहे हैं कि बहुत अच्छा उनका एग्जाम गया, जिन्होंने हमारे ऐप से कोर्स परचेज किया था, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर यूट्यूब लाइव पे पढ़ाई की थी। बच्चे कई बच्चे तो ऐसा भी कह रहे हैं कि उनके 300 आने की संभावनाएं हैं, किसी के 290 प्लस आने की संभावनाएं हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं कि इस तरीके से आप देखें तो मैं ये प्रूफ कर सकता हूं कि मैं जो आपको जीके का पढ़ने का तरीका बताऊंगा वो बहुत ही वैलिड होने वाला है। आपको लॉजिकल ना लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, पर अगर आपको लगता है कि मेरा पॉइंट सही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा कनेक्शन बॉन्डिंग बना रहे, आगे चल के भी मैं वीडियोस अपलोड करता रहूं और आप पढ़ाई करते रहें। यूट्यूब तो फ्री है, बटन दबाने में, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं जाता है। यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल और मैं आपको पूरा ज्ञान दूंगा। मैं और सौरभ सर, वी बोथ विल टीच यू मैथ्स, इंग्लिश, जीके एंड इंटेलिजेंट टेस्ट। जीके इंटेलिजेंट टेस्ट मैं पढ़ाऊंगा, मैथ्स इंग्लिश सौरभ सर पढ़ाएंगे, हो सकता है इंग्लिश के कुछ चैप्टर मैं ही पढ़ाऊं, पर मिलजुल के हम आपका पूरा का पूरा सिलेक्शन कराने की गारंटी लेते हैं। अगला टारगेट 2023 का है, 2022 का एग्जाम हो चुका है। कुछ बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर तो दुखी होने की बात नहीं है। अगर आपका एज 10 से 12 ईयर के बीच में रहता है तो नेक्स्ट ईयर आप फिर सैनिक स्कूल का एग्जाम दे सकते हैं, और जिनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा और वो दोबारा नहीं देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी हमसे जुड़े रहें क्योंकि सैनिक स्कूल के सिलेबस में क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तक के टॉपिक्स आते हैं, तो इससे पढ़ने से आपका ज्ञान बढ़ता ही रहेगा। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे, मेन मुद्दे पे, जिसके लिए आप इस वीडियो को देखने आए हैं कि जीके में पढ़ना कैसे है। जीके 25 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स का आता है। अब 25 क्वेश्चन में जीके में साइंस भी इंक्लूडेड रहता है, साइंस और जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज यानी कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो हालांकि नहीं है क्लास 5th में, बट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स, ये तीन सब्जेक्ट्स साइंस के, सॉरी एसएससी के हो गए और साइंस के हो गए बाकी सब्जेक्ट्स। तो साइंस और ये तीन एसएससी मिलके बनाते हैं जीके। पर क्या स्कूल के किताब से आते हैं सवाल? नहीं, ऐसा नहीं है। जीके के सवाल आते हैं आउट ऑफ द बुक। मैथ्स, इंटेलिजेंट टेस्ट और इंग्लिश के प्रेडिक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जीके के प्रेडिक्टेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मैंने पिछले 10-15 साल 20 साल का जो भी एनालिसिस किया है एग्जामिनेशन का, उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जीके में क्वेश्चन रिपीट होते हैं पर इतने ज्यादा नहीं होते हैं जितना मैथ्स और आईक्यू में होता है। तो जीके में फिर क्या पढ़ें, क्या पढ़ें, ये सवाल आता है। तो आपको पढ़ने का सबसे पहला जरूरत है जो भी टॉपिक्स AISSEE ने अपने ब्रोशर में, अपने PDF में दे रखा है, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं जीके में और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। उन टॉपिक्स के नाम दे रखे हैं AISSEE ने, बट उन्होंने ये नहीं बताया है कि उन टॉपिक्स के अंदर कितना डीप में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें एक चैप्टर है साइंटिफिक डिवाइसेस इन रियल लाइफ। अब साइंटिफिक डिवाइसेस रियल लाइफ में तो बहुत सारे हैं, इवन फोन, सेलफोन भी एक साइंटिफिक डिवाइस है, कंप्यूटर है, आप स्पीडोमीटर है, ऐसा करके बहुत सारे साइंटिफिक डिवाइसेस हैं। तो सवाल ये आता है कि बच्चे को कौन कौन सा पढ़ाया जाए। तो वो डेटा, हालांकि आप कई बुक्स पढ़ के आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक को पढ़ना है, पर वो फिक्स नहीं है कि क्या क्या आने वाला है। तो मेरा टारगेट ये है आपको ये बताना कि हर चैप्टर में से आप क्या क्या टॉपिक्स ऐसा पढ़ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि जीके के जितने भी टॉपिक्स AISSEE ने दे रखे हैं, सैनिक स्कूल वालों ने दे रखे हैं, उन टॉपिक्स को पहले रीड करके समझना है कैसे टॉपिक्स आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, उसमें एक टॉपिक है ऑफिसर्स की रैंकिंग।
ऑफिसर्स की रैंकिंग जो है उससे रिलेटेड भी सवाल आ सकता है नेक्स्ट ईयर एग्जाम में। अब ऑफिसर की रैंकिंग क्या होती है, ऑफिसर जब आप बनते हो इंडियन नेवी आर्मी एयरफोर्स में, तो निचले लेवल के ऑफिसर, उनसे ऊपर के लेवल के ऑफिसर, फिर उनसे ऊपर यानी कि लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, कर्नल, कैप्टन, इन सब की रैंकिंग क्या होती है, सबसे टॉप पे कौन होता है, सबसे नीचे कौन होता है, इस तरीके की रैंकिंग की कैपेसिटी के क्वेश्चन आते हैं। साइंस में यूनिवर्स के बारे में क्वेश्चन आता है, प्लैनेट्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं, कई बुक्स के बारे में आता है कि इस बुक का ऑथर कौन है, किसको किस चीज में अवार्ड मिला है, कई बार स्टेट के कैपिटल्स भी आ सकते हैं। स्टेट के कैपिटल्स हालांकि कम बार आते हैं बट आ चुका है एक बार एग्जाम में, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्टेट के कैपिटल मत रटो, रटना जरूरी है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैं आपको लाइव क्लासेस जब भी लूंगा बार बार बताता चलूंगा। मैंने और सौरभ सर ने कोर्स क्रिएट कर रखा है 2022 के लिए भी किया था बच्चों के लिए, इस साल के लिए फिर से हम एक नया कोर्स लेके आ रहे हैं जिसमें हम 2023 के लिए बच्चों के लिए सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन कराएंगे। और लास्ट ईयर सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल थे, इस ईयर हम लाइव क्लासेस का भी फैसिलिटी दे रहे हैं, यानी कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो होंगे ही प्लस लाइव क्लासेस भी होंगे ताकि बच्चों का एक फ्लो बना रहे पढ़ाई करने के लिए। और पढ़ाई ऐसा हो कि जीके, देखो जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट है, तो अगर मैं एक दिन में आपको टारगेट दे दूं कि आप इतना सारा रट लो, आप नहीं रट पाओगे। लेकिन आप हमारे साथ कंसिस्टेंटली जुड़े रहोगे तो हर लाइव लेक्चर में मैं कुछ होमवर्क दूंगा, ये मेमोराइज करो, वो मेमोराइज करो, करते करते अगले एक साल में सैनिक स्कूल के एग्जाम आने तक आपका नॉलेज इतना वास्ट हो जाएगा कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपको सारे आंसर कैसे आते हैं। मैं सोच रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो शर्माने का नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन करिए और कमेंट में आप मुझसे पूछिए कि आपको और क्या जानना है और किन चीजों पर मैं वीडियोस बनाऊं, ये भी मुझे एक एडवाइस दीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके और आप लोग भी आगे बढ़ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।